हाँ जी, तो आपके साथ हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैप्टर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखिए, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमने आपके साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट किया था, जहां पे हमारा यह टॉपिक आता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो पहले तो ये समझे प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होते हैं। हमने आपको बताया था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो बनती हैं जब एक कॉमन इंटरेस्ट होता है सभी लोगों के कॉमन इंटरेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो है वो मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने बनाया है इसे। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आइए वन बाय वन उन्हें समझें। सबसे पहले तो मैंने लिखा है, देखिए कि जो सोसाइटीज हैं इस तरह की, जो प्रोड्यूसर्स वाली है, इसमें कौन लोग जनरली इन्वॉल्व होते हैं? स्मॉल प्रोड्यूसर मेंबर होते हैं इसके, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर स्मॉल प्रोड्यूसर्स क्यों इसमें आते हैं, इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म स्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि सिंगल प्रोड्यूसर के लिए ना कुछ चीजें वेरी बहुत डिफिकल्ट होती हैं। सिंगल इंडिविजुअल के लिए, सिंगल प्रोड्यूसर्स के लिए क्या क्या चीजें डिफिकल्ट होती हैं? भाई सही रेट पर, रीजनेबल रेट पर उसे इनपुट्स नहीं मिल पाते, रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता, क्योंकि वो इतने लार्ज क्वांटिटी में नहीं खरीद पाता, ठीक है, तो वो उसे एडवांटेज नहीं मिल पाता, ठीक है। तो बल्क क्वांटिटी में नहीं खरीद पाता वो, तो उसे सस्ते रेट पर इनपुट्स नहीं मिल पाते, मशीनरीज वगैरह नहीं मिल पाती, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज नहीं मिल पाती, क्योंकि वो एक स्मॉल प्रोड्यूसर है। तो यहाँ क्या होता है, कलेक्टिवली हमारे पास स्मॉल प्रोड्यूसर्स ज्वाइन करते हैं एज अ मेंबर इन द सोसाइटी और इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, और एक सोसाइटी को बनाया जाता है जिसका एम क्या है, इन प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखना, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के। अब अगर बात करें आपके साथ, तो हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें, प्रोड्यूसर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें दो टाइप की सोसाइटीज होती हैं। पहली सोसाइटी वो है जो कि अरेंज करती हैं इनपुट्स को, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, मशीनरी हो गई, या फिर अदर इनपुट्स हो गए, ठीक है, टूल्स वगैरह, कि इन प्रोड्यूसर्स के लिए वो चीजें अरेंज करती हैं, ठीक है, यानी इनका फोकस केवल इनपुट अरेंज करने पर होता है। एक हमारे पास दूसरे टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जिनका फोकस होता है कि जो प्रोड्यूसर्स ने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उनको सेल करना मार्केट में, ठीक है, उनको मार्केट के अंदर सेल करवाना, ये इनका फोकस होता है। तो दो टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज यहां बन सकती हैं प्रोड्यूसर्स की। पहला वो जो कि फोकस करती है कि इन्हें रीजनेबल रेट पर गुड्स, जो इनपुट्स मिल पाए, और दूसरा वो जो कि इनके प्रोड्यूस को सेल करेंगे मार्केट में। ऐसा भी हो सकता है इनका मिक्स बने, यानी एक ऐसी सोसाइटी जो कि इनपुट्स भी अरेंज कराएगी इन लोगों के लिए और इनके गुड्स को सेल करने में भी हेल्प करेगी, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात समझिए, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनके अंदर जो प्रॉफिट्स बचते हैं, ठीक है, इनके अंदर जो प्रॉफिट्स बचते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमंग मेंबर्स, उनके जो मेंबर्स हैं उनके बीच में होता है, ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारी कॉपरेटिव, इनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग मेंबर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ गुड्स सोल्ड बाय ईच मेंबर, यानी जिसकी जितनी सेल्स हैं उसके हिसाब से उनके बीच में ये प्रॉफिट को बांट देते हैं, डिवाइड किया जाता है इस प्रॉफिट को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अच्छा, इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है यहाँ पर, वो ये है कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इस टाइप की सोसाइटीज के। तो आइए सबसे पहले देखें, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इनका होता है दैट दे इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। इनका ऑब्जेक्टिव है कि इनके जो मेंबर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको रेगुलर सप्लाई मिल पाए रॉ मटेरियल की, और वो भी कैसे, वो एक रीजनेबल प्राइस पर मिल पाए, ठीक है, भाई रेगुलर सप्लाई तो मिल ही जाएगी, बट जो प्राइजेस हैं इनका कंसर्न यही होता है कि इन्हें सही रेट पर, रीजनेबल रेट पर नहीं मिल पाता, प्रोड्यूसर जब इंडिविजुअली खरीदते हैं तो सोसाइटी कहती है ठीक है हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आपको रीजनेबल रेट पर लेकर देंगे, अब बल्क में लेंगे तो शायद रीजनेबल रेट उन्हें मिल ही जाएगा, क्वांटिटी डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। देन अनदर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन। देखिए स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, इनका इनके रीच में नहीं होती लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, इक्विपमेंट्स वगैरह, ठीक है, तो क्या होता है, सोसाइटीज अपने बिहाफ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को परचेज करती है और उन्हें इन लोगों को अरेंज करा कर देती है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव है जी स्मूथ
डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी जो कोऑपरेटिव हमारे प्रोड्यूसर्स ने गुड्स बनाए हैं, ठीक है, उनको इजीली आसानी से ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, इनकी सेल्स हो पाए, इनमें भी इनका हेल्प, ये हेल्प करती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ताकि इन्हें परेशानी ना आए इन दोनों मैटर्स में, ना तो प्रोडक्शन में, ठीक है, प्रोडक्शन में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग इन्हें इनपुट्स अरेंज करके देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सोसाइटी इनके वेयर हाउसिंग में, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में इन्हें हेल्प करेगी, ठीक है। और लास्ट हमारे पास है, ये सारा काम इसलिए किया जाता है कि जो हमारा प्रोड्यूसर है वो कंसंट्रेट कर सके, फोकस कर सके, किस पर फोकस कर सके, प्रोडक्शन पर फोकस कर सके। देखिए, प्रोड्यूसर अगर इन सब चीजों में उलझा रहता तो वो अपने मेन प्राइम एरिया पर फोकस नहीं कर पाता, जो कि क्या था, उसके प्रोडक्शन पर, अपनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाता, वो बाकी चीजों में उलझा रहता, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई, ठीक है, जो कि इनके बाकी चीजों का ध्यान रख रही है, इन्हें सस्ते रेट पर रॉ मटेरियल अरेंज करा रही है, ठीक है, इनके गुड्स को सेल किया जा रहा है, ठीक है, इन्हें फैसिलिटीज दी जा रही हैं, ठीक है, रीजनेबल रेट पर मिल रही हैं चीजें, तो अब ये फोकस कर सकते हैं अपने मेन प्रोडक्शन पर। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी आप इसे लिख लीजिए।